देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,509 नए कोरोना केस सामने आए और 640 संक्रमितों की जान भी गई। केरल में सबसे ज्यादा 22,056 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, यानी कि कल 4,404 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,28,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात ये है कि 3,07,01,000 लोग ठीक भी हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से ज्यादा है। कुल 4,03,840 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 28 जुलाई तक देश भर में 45,07,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 43,92,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक 46,26,00,000 कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन 17,28,000 कोरोना सैंपल टेस्ट लिए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम रही।